वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और न्यू व्लॉग तो किसके ऊपर, वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो अब जो मेरी ड्रीम बाइक है वो दिखाते हैं आपको। और ड्रीम बाइक की स्टोरी बता दूं कि एक साल पहले से मैं उस ड्रीम बाइक का वेट कर रहा था, खूब जगह ढूंढी पर वो मिली नहीं। बट अब आपको दिखाता है वो कौन सी बाइक है जो, हाँ तो भाई अब आपको बताता है हमारी ड्रीम बाइक। आओ दिखाते हैं, यह हमारी ड्रीम बाइक यामा RX 100। हाँ तो भाई जब मैं आपको इसका वॉक अराउंड रिव्यू दूंगा, आइए बताता हूँ। सबसे खास बात जो मेरे को इसकी लगी और मेरे को अचंभा हुआ वो ये है कि जो अभी न्यू गाड़ी चल रही है BS6 इंजन वाली, सेम उस तरीके से इसकी बिना ऑन कर इसकी लाइट चल सकती है। ये आप देख सकते हो इसकी लाइट बिना ऑन भी चल रही है। और नॉर्मल गाड़ियों में जैसे पेट्रोल डाला जाता है, इसके अंदर पेट्रोल के साथ ऑयल डाला जाता है, वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन है। नॉर्मल गाड़ियों में 1 स्ट्रोक इंजन ही आता है। और नॉर्मल गाड़ियों की टंकी भी बहुत छोटी है, जिसमें टंकी भी बहुत बड़ी है। आप देख सकते हो टंकी इतनी बड़ी, वो भी एक मस्त लगा चलाने के हिसाब से। एंड सबसे जो तगड़ी चीज़ है वो है इसकी आवाज़। वो मैं इसको आपको स्टार्ट करके बताऊंगा इसकी आवाज़ कैसी है। आप देख सकते हो इसकी आवाज़ कितनी चलती है। और सबसे खास बात जो इसके अंदर ऑयल डाला जाता है, उस हिसाब से इसमें धुआं भी निकलता है। चाय पीने जा रहे हैं चंपा जी के यहाँ। चंपा जी उनके पिताजी का नाम है, और जो अभी दुकान के ओनर जो दुकान चला रहे हैं उनका नाम है गोविंद जी। ब्यावर की, हमारे शहर ब्यावर की सबसे रॉयल चाय वही पिलाते हैं और सबसे जोरदार चाय। अगर आपको सबसे तगड़ी चाय पीनी हो ब्यावर की तो चंपा जी की आइएगा, सबसे तगड़ी चाय पिलाते वो। Oh my God! Wow! चंपा जी का एड्रेस चाहिए वो एड्रेस मैं बता देता हूँ। माल्यान की चौपट पे आके किसी से भी पूछ लेना चंपा जी चाय वाले की दुकान का है, हर कोई बता देगा आपको क्योंकि बहुत फेमस दुकान है वो। हाँ तो भाई जब मंगला चाय घर आके पहुँच चुके हैं। जब ये ब्यावर में आया था, जब ये बहुत ज़्यादा फेमस था, और उस टाइम इसके चाय की बात कुछ और थी भाई की, और अब इसकी कस्टमरिंग 50% हो चुकी है। सामने में नहीं रुकता है मैं।